हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एबीवीपीआई इकाई का रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते रोजाना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी एबीवीपी के दर्जनों छात्रों ने तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी की और मांगों को मनाने के लिए उप कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को जमकर कोसा। एबीवीपी ने चेताया कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी पहले जिला स्तरीय आंदोलन और बाद में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करेगी। एबीवीपी इकाई सदस्य नवनीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज तक विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया है, जो कि शर्मनाक है। वहीं छात्रों की मांगों पर उप कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार से बात की जा रही है और जल्द ही छात्रों की सारी मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की फीस वृद्धि की मांग को मान लिया गया है, जिसके तहत 3000 रुपए की कटौती की जा रही है। बाकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पत्राचार कर बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य आजकल प्रगति पर चल रहा है। स्वारघाट के बेस कैंप में दिन रात 24 घंटे वैज्ञानिकों द्वारा डिजिटल आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार की खोज के लिए अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। आपको बता दें कि गत माह से बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और ऊना जिलों में ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी द्वारा दिन रात वैज्ञानिक तरीके प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान में किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ONGC के माध्यम से अल्फा GEO इंडिया लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा स्वारघाट के समीप विभिन्न स्थानों पर बोरिंग भी की जा रही है। बेस कैंप में दिन रात बैठकर डिजिटल आंकड़े भी एकत्रित किए जा रहे हैं। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिला के उपमंडल स्वारघाट के साथ में सटे जिला सोलन के राम शहर क्षेत्र में 76 किलोमीटर की सीधी लाइन में कार्य दिन प्रतिदिन चल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त खोज का कार्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर DR कोटियाल ने, जो कि ONGC के सेवानिवृत्त भू वैज्ञानिक भी रहे हैं, प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर कोटियाल ने खास बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश हित में ये उक्त कार्य अनुसंधान का जिम्मा उन्हें दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते हालांकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हिमाचल सरकार व संबंधित जिला के प्रशासन के अधिकारियों व अन्य का सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्य दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल के इन जिलों के क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो भारत सरकार के साथ ही हिमाचल प्रांत को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये कार्य राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ कार्य है। आपको बता दें कि उक्त कार्य में कई स्थानों पर 60 फीट तक गहरी बोरिंग भी की जा रही है। इस खुदाई के भीतर व आसपास के सारे कार्य डिजिटल आंकड़े भू वैज्ञानिकों द्वारा बेस कैंप पर एकत्रित करके पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं।